नमस्ते दोस्तों, मैं ज्योति कौर माँ गायत्री देवी किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं एक बहुत ही पुरानी रेसिपी लेकर आई हूँ जो मेरी दादी मुझे बनाकर खिलाया करती थी। इसे मैं आप लोगों के सामने फिर से एक बार ला रही हूँ। इस वीडियो को आप जरूर देखिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी ही सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको इसी तरह का वीडियो मेरे द्वारा मिलता रहे। आज मैं जो आपको मूंग दाल की कांची बनाकर दिखाने जा रही हूँ, उस रेसिपी को आज तक YouTube में किसी ने नहीं बताया है। इसे आप जरूर अपने घर में बनाइए। ये मेरे दादी की रेसिपी है जिसको मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आइए देखते हैं ये कैसे बनती है। एक कटोरी हमने मूंग की दाल ली है धुली हुई, इसी कटोरी में हमने लिया है और इसी में हमको एक कटोरी शक्कर लेना है। हमने इसी कटोरी को अपने मेजरमेंट के लिए तैयार रखा है। आप कोई से भी अपनी एक कटोरी तय कर लीजिए। तो एक कटोरी हमने इस दाल को 4-5 घंटे के लिए भिंगो कर रखा था। उसके बाद हमने फिर से इसको अच्छे से 2-3 बार साफ पानी से धो लिया है और इसके पानी पूरा अलग कर लिए हैं और अब हम इसको बारीक पीस लेते हैं। देखिए, हमने एकदम चिकना पीस लिया है इसको, इस तरह से ऐसे ही पीस लेना है हमको। अब हम इसको पकाते हैं। जो हमने एक कटोरी शक्कर लिया है उसको हम पहले डाल देते हैं इसमें, फिर हम ये जो दाल तैयार किए हैं पीसकर इसको डालेंगे। शक्कर वाली कटोरी से ही हम 3 कटोरी पानी ले लेते हैं, इसको भी हम इसी में डाल देते हैं। अब हम गैस जला लेंगे और उसके बाद इसको चम्मच चलाते रहेंगे। इस चम्मच को हमको लगातार चलाते रहना है ताकि ये नीचे में ना बैठ जाए। देखिए, अभी इसका पेस्ट जो है वो गाढ़ा होने लगा है। हमको चम्मच को लगातार चलाते ही रहना है। इसका रंग धीरे धीरे बदलने लगा है, इसमें चंक्स दिखाई देने लगे हैं। हमको ये ध्यान रखना है कि इसमें गुठलियां ना बने। इसी के साथ हमने एक प्लेट में घी लगाकर भी रख लिया है। देखिए, इस तरह से धीरे धीरे गाढ़ा होने लगा है। हमको इसको अभी और चम्मच चलाते रहना है। इसका फ्लेम हमने मीडियम हाई रखकर पकाया है। हमको लगातार इसमें चम्मच चलाना पड़ेगा। ये बहुत ही पुरानी रेसिपी है, इसको मेरी दादी अक्सर बनाया करती थी तो वो मुझे याद था, मैंने आप लोगों से भी शेयर करना है करके आज इसे बना रही हूँ। देखिए, ये इस कंडीशन में आने के बाद अब हम इसका फ्लेम बंद कर देते हैं और एक चम्मच इसके ऊपर घी डाल देते हैं और इसको एक बार अच्छे से और मिला लेते हैं। घी को अच्छे से मिलाने के बाद अब हम इसे प्लेट में जमा लेते हैं। जिसको हमने घी लगाकर पहले से रख लिया है उसी प्लेट में हम इसको फैला लेते हैं। इसका स्वाद बहुत अच्छा होता है। एक तो मूंग दाल जो है वो अपनेपन में मीठा लिए हुए होता है और इसका जब हम मीठा रेसिपी बनाते हैं तो ये बड़ा ही टेस्टी लगता है। अगर आप इसमें चाहें तो कोई भी ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, इलायची डाल सकते हैं। मैं इसको बिल्कुल सिंपल बनाई हूँ। इसको हमको चारों तरफ से प्लेन कर लेना है। और इसको हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसको मनचाहे आकार में काट लेंगे। मूंग की कांची बनकर तैयार है। ये बहुत ही पुरानी रेसिपी है, इसको मैंने फिर से एक बार आप लोगों के सामने शेयर किया है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन पहले मिलता रहे। अब हम मिलेंगे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ।